फिर उस बालक ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि मैं गंगा को तैरकर पार करूंगा। फिर जो बच्चा बैठा बैठा सोच रहा था, उस बच्चे ने क्या किया, अपने मन में दृढ़ निश्चय किया। दृढ़ निश्चय मतलब पक्का निश्चय किया, पक्का सोच लिया उसने कि मैं तो गंगा नदी को तैरकर पार करूंगा। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम बोलते हैं ना कि कैसे भी करके मैं इसको करके ही रहूंगा, मैं लेके ही रहूंगा। तो उस बच्चे ने भी पक्का निश्चय कर लिया कि मैं तो गंगा नदी को तैरकर ही पार करूंगा, मेरे पास नाविक को देने के लिए तो पैसे है ही नहीं, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, किसी का उपकार भी नहीं लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, गंगा नदी को तैरकर पार करूंगा। सब बच्चे नाव में बैठकर चले गए और उस बालक ने अपने कपड़े उतारकर गठरी बनाई। जो दूसरे बच्चे थे उसके सहपाठी, उसकी क्लास में पढ़ने वाले, वो तो सब बच्चे नाव में बैठकर चले गए, लेकिन उस बच्चे के पास पैसे नहीं थे तो उसने क्या किया कि अपने कपड़े उतारे और कपड़े की गठरी, गठरी मतलब समझते हो ना, ऐसे कपड़े में को आपस में लपेट के ऐसी पोटली जैसी बना ली, गठरी बनाई और अपने सिर पर कसकर बांध ली। ये देखो, ये नदी के अंदर जो बच्चा है तैर रहा है ना, इसके सिर पर बड़ी सारी गठरी बंधी हुई है। तो इस बच्चे ने अपने कपड़े की गठरी बनाकर सिर पर कसकर बांध ली और गंगा माता को प्रणाम कर वह पानी में कूद पड़ा। उसने अपने कपड़े की गठरी बना के सिर पर डाली और फिर क्या किया, गंगा माता मतलब गंगा नदी जो उसको तैर कर पार करना थी ना, उस नदी को प्रणाम किया। प्रणाम मतलब नमस्कार किया, गंगा माता को नमस्कार किया और पानी में कूद पड़ा। गंगा की लहरों के थपेड़े सहता हुआ वह बालक घंटे भर में तैर कर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। गंगा की लहरों के थपेड़े मतलब जब गंगा नदी में पानी का बहाव था ना, तो लहरें ऊपर ऊपर उठती और टकराती है, गंगा की लहरों का टकराना, टकराने को क्या बोलते हैं, थपेड़े। थपेड़े को सहता हुआ वह बालक घंटे भर में तैर कर मतलब गंगा नदी के वो जो लहरों के टकराने से वो बालक धीरे धीरे तैर पाया और एक घंटे में नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया और कपड़े पहनकर स्कूल चला गया। कपड़े जो उसने अपने सिर पर बांध रखे थे वो दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने वापस पहन लिए और फिर स्कूल चला गया। बच्चों, जानते हो वह साहसी बालक कौन था? क्या आप जानते हो वह साहसी बालक कौन था? वह बालक था लाल बहादुर। क्या नाम था उस साहसी बच्चे का, हिम्मत वाले बच्चे का नाम क्या था? लाल बहादुर, जो आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री कहलाए। जो बच्चा, वो बच्चा बड़ा होकर क्या बना? लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना गया। वो बच्चा बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री बना और भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री बने। और जो लाल बहादुर शास्त्री थे ना, वो आगे जाकर हमारे भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे एक समय में। तो वह साहसी हिम्मत वाला बालक हमारे भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बना। आई आपको ये कहानी समझ में? हाँ, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी, और हिम्मत से काम लेकर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। उसे परीक्षा देने के लिए स्कूल जाना था, है ना, तो वो परीक्षा देने के लिए स्कूल गया तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने नदी को तैर कर पार करने की हिम्मत जुटाई और नदी को तैर कर उसने पार किया और स्कूल पहुंच गया। बच्चों, जिस प्रकार हम कोई पौधा उगाते हैं और उसके चलने के बाद जैसे जैसे वह हरा होता है तो हम उससे पता लगा लेते हैं कि पौधा कितना अच्छा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना विशाल बनेगा। उसी प्रकार हम किसी इंसान के वो भी बचपन में ही देखकर उसके गुणों के बारे में पता लगा सकते हैं कि यह बालक बड़ा होकर कितना विशाल बनेगा, कितना महान बनेगा, ये कितनी प्रतिभा का धनी है, इसमें कितनी सारी प्रतिभाएं छुपी हुई है, कितना होनहार है ये, है ना। जैसे कि गोपाल में था, गोपाल बचपन से ही स्वाभिमानी था, वह किसी से झूठ नहीं बोलता था, है ना, वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहता था,
ये सब उसके गुण थे, उसमें एक प्रतिभा थी, है ना। ऐसे ये इसलिए यह उस कहावत को सिद्ध करता है कि पूत के लक्षण पालने में ही दिखाई देते हैं। थैंक यू।